दोस्तों आपका स्वागत है हमारे इस एपिसोड में। दोस्तों आज हम लोग सीखेंगे कि पीडीएफ के पेजेस, जो अलग अलग पेजेस, मान ले 4 पेज, 5 पेज, 6 पेज का कोई डॉक्यूमेंट है, तो उसको अलग अलग पेज में कैसे आप स्प्लिट कर सकते हैं। यानी यह 4 पेज का अगर आपका एक डॉक्यूमेंट है तो आप उसके 4 अलग अलग हर पेज के डॉक्यूमेंट कैसे बना सकते हैं। तो दोस्तों आप गूगल में चले जाइए, आप टाइप कर लीजिए स्प्लिट पीडीएफ पेजेस। दोस्तों सबसे पहले आपको ये एक्रोबैट, जो यानी कि पीडीएफ का जो ये जनरेटर जिसमें रीडर होता है, और एक पीडीएफ का जो एक तरह से जनक है, पीडीएफ जहाँ से आया हुआ है, जो इसका सॉफ्टवेयर है जिसमें पीडीएफ हम लोग बनाते थे शुरुआत से, एक्रोबैट का। तो इसमें दोस्तों ये सॉफ्टवेयर जनरली आपको पीडीएफ को रीड करने के लिए आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल होगा। दोस्तों आपके पास अगर पेड वर्जन है, यानी कि आपने पे कर रखा है, तब आप इससे कर सकते हैं। मैं आपको तरीका जरूर बता देता हूँ, लेकिन अगर आपने पेड वर्जन आपके पास नहीं, तो आप फ्री में गूगल में कुछ ऐसी, गूगल में आप जब से आप सर्च करेंगे तो आपको कुछ वेबसाइट्स मिलेंगी जहाँ पर आप फ्री में कर सकते हैं। दोस्तों मैं इसको पहले आपको दिखा देता हूँ। तो इसमें आपको जैसे आप इसको एक्रोबैट में, एक्रोबैट डीसी जो है आपका, यानी एक्रोबैट रीडर का जो डीसी वर्जन है, इसको जैसे आप ओपन करते हैं फ्रेंड्स, तो दोस्तों अगर कोई डॉक्यूमेंट ओपन नहीं है तो आपको इस तरह से दिखेगा। और आपको फ्रेंड्स, आपको कोई भी डॉक्यूमेंट जैसे जिस जो भी ओपन करना है, तो आप यहाँ पर अगर ऑलरेडी रिसेंटली आपने ओपन कर रखा है तो वहाँ पे डॉक्यूमेंट आ जाएंगे। आप जैसे इसमें क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये ऑर्गेनाइज पेजेस का ऑप्शन आ जाएगा। ऑर्गेनाइज पेजेस का ऑप्शन में जैसे दोस्तों क्लिक करेंगे तो अगर आपका परचेज वर्जन नहीं है तो आपको ये परचेज करने के लिए कहेगा। दोस्तों हम आपको फ्री वर्जन बताते हैं, परचेज की बात हम नहीं करेंगे, तो इसको हम लोग कर देते हैं बंद। और यहाँ पर हम आते हैं, जो पहला ही ऑप्शन है आई लव पीडीएफ डॉट कॉम में, ये एक लिंक है स्प्लिट अंडरस्कोर पीडीएफ का, इसको आप ओपन कर लीजिए। मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। ये जैसे ओपन हो गया है तो इसमें बहुत सारे फीचर्स दोस्तों, जैसे पीडीएफ को मर्ज करना है, यानी कि आपके पास कई पीडीएफ की फाइल है, किसी में एक पेज है, किसी में 2 पेज है, आप चाहें तो एक साथ मर्ज कर सकते हैं। उसके अलावा कंप्रेस पीडीएफ कर सकते हैं, यानी कि आपके पास 2 MB की पीडीएफ की फाइल है तो उसको आप 1 MB या 500 KB की बनाना है तो आप यहाँ से कर सकते हैं। उसके बाद ये पीडीएफ के कन्वर्जन का भी ऑप्शन है कि जैसे कि आप जेपीजी से पीडीएफ बनाना चाहते हैं, वर्ड से पीडीएफ बनाना चाहते हैं, तो बहुत सारे ऑप्शन है फ्रेंड्स। तो इन सब के बारे में हम अभी नहीं जाएंगे, हम केवल आपको पीडीएफ को स्प्लिट करने के बारे में बताएंगे। दोस्तों ये जैसे यहाँ पर ऑप्शन है कि आपको पीडीएफ फाइल यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है, या आप गूगल ड्राइव से यहाँ पर आप सिलेक्ट कर सकते हैं, या अपने ड्रॉप बॉक्स से ले सकते हैं, या यहाँ पर ड्रॉप भी कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ से हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। जैसे हमारे पास एक पीडीएफ फाइल है तो दोस्तों इसको हमने सिलेक्शन के लिए कर दिया है। तो इसमें एक पेज नंबर 1 से लेके पेज नंबर 4 तक है, यहाँ पर ये दिखा रहा है, कौन रेंज पूरी दिखा रहा है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर ऑप्शंस राइट साइड में आपको दिखेंगे, जैसे है कि स्प्लिट बाई रेंज, रेंज वाइज स्प्लिट करना है। अगर आपको जैसे कि पेज नंबर यहाँ पर दिया हुआ पेज नंबर 1 से लेके 4 तक टोटल है, आप चाहें तो पेज नंबर 1 से 2 तक स्प्लिट कर सकते हैं, बाकी को छोड़ सकते हैं। और उसके बाद दोस्तों ये पेज वाइज भी करने का इसमें ऑप्शन है, तो जैसे मैं पेज 1 से लेके 2 तक केवल करना चाहता हूँ, आप जो चाहे इसमें ऑप्शंस ले सकते हैं। यहाँ पर पेज वाइज यानी सारे के सारे पेज आपको अलग अलग, जैसे 4 पेज हैं इसमें तो चारों को अलग अलग यहाँ पर ये कर देगा। तो मैं आपको चारों को अलग करना आसान है दोस्तों, मैं आपको कस्टम रेंज करके दिखाता हूँ, जैसे कि आपको पेज नंबर 1 से लेकर के पेज नंबर 2 तक केवल करना है, और अगर आपको बाद में मान लिया आपको ये भी करना है, उसके बाद चौथा पेज भी करना है, तो आप यहाँ पर एड रेंज में जाकर के आप यहाँ पर पेज नंबर 4 to 4 कर सकते हैं। तो इस तरह के आप कई सारे ऑप्शंस आपके पास हैं, वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं केवल अभी पेज नंबर 1 से 2 तक करने जा रहा हूं। यहाँ पर एक ऑप्शन मर्ज ऑल रेंजेस इन 1 PDF फाइल, यानी कि ये जो आप इसमें रेंज सेलेक्ट करी है, इसको एक ही फाइल में ये मर्ज कर दें। तो दोस्तों ये आपने जब सिलेक्शन कर लिया है तो आपको यहाँ पर स्प्लिट पीडीएफ में क्लिक कर लेना है। तो फ्रेंड्स अभी देखते हैं, अभी तुरंत ही ये कन्वर्ट करके हमको दे देगा। ये यहाँ पर दोस्तों इसने कन्वर्ट कर दिया है, मैं आपको यहाँ पर डाउनलोड कर लेता हूँ। डाउनलोड करके मैं यहाँ पर देख लेता हूँ कि मेरा ये प्रॉपरली हुआ है या नहीं हुआ है। तो फ्रेंड जैसे मैं इसको ओपन करता हूँ तो अभी ये सबसे पहला पेज ये आ गया है और दूसरा पेज ये आ गया है, यानी कि 2 पेज 4 में से 2 पेज इसने मुझे निकाल करके दे दिया है। तो फिर इस तरह से आप इनके पेजेस को आप अलग अलग कर सकते हैं। तो ये बहुत ही आसान तरीका रहा दोस्तों, आपने देखा किस प्रकार से आप पीडीएफ की फाइल्स को स्प्लिट कर सकते हैं, यानी दो अलग अलग, दो या जितने भी आप पोर्शन उसके एक फाइल के पेज वाइज करना चाहें वो आप कर सकते हैं।
सकते हैं। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप इस पीडीएफ को स्प्लिट करने का तरीका जरूर जान गए होंगे, सीख गए होंगे और अब आप इसका इस्तेमाल जरूर कर पाएंगे, वो भी ऑनलाइन फ्री में आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों थैंक यू वेरी मच, अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ। थैंक यू।